अंबेडकर चौराहे पर स्थित पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते हर प्रोडक्ट की खरीद पर एक गिफ्ट एश्योर्ड मिलेगा, वो भी मार्केट से रीजनेबल प्राइस पर। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के पंधाना से भाजपा प्रत्याशी छाया मोरे ने आज अपना नामांकन हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में दाखिल किया। उनके साथ युवा नेता भी मौजूद थे, पंधाना के विधायक राम दांगोड़े भी मौजूद थे और पंधाना के भाजपा के हजारों कार्यकर्ता भाजपा के झंडे हाथ में लिए मौजूद थे। पंधाना में रूपाली बारे कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने पहले ही नामांकन दाखिल कर दिया था। उनकी भी रैली में अच्छी भीड़ थी और आज पंधाना में भाजपा की नामांकन रैली में भी अच्छी खासी भीड़ थी। कुल मिलाकर दोनों तरफ पंधाना में जबरदस्त तरीके से माहौल बना हुआ है और आज इस माहौल को और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास भाजपा की टीम ने किया। भाजपा की प्रत्याशी छाया मोरे ने क्या कहा, विधायक राम दांगोड़े ने क्या कहा और आपको बता दें कि कार्यकर्ता इतने उत्साहित थे कि उन्होंने पहले ही ऐसी संभावना जता दी थी कि वहाँ पर छाया मोरे कहीं ना कहीं भारी पड़ेंगी और पटाखे फोड़ दिए। इसके अलावा छाया मोरे ने क्या कहा, युवा नेता जो बाहर से आए हुए थे उन्होंने क्या कहा, आइए उनकी बात सुनवाते हैं। और कार्यकर्ताओं की रैली आप देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता आज भाजपा की नामांकन रैली में पहुंचे थे। आधा किलोमीटर तक रैली थी और आप देख सकते हैं भाजपा की जो प्रत्याशी हैं छाया मोरे, पंधाना विधायक राम भी उनके साथ हैं और जो बाहर से उनका नामांकन दर्ज कराने आए थे वो नेता भी उनके साथ जीप में मौजूद थे। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का भी फोटो लगा हुआ है। परिस्थितियाँ जो हैं वो क्या होंगी, आप क्या सोचते हैं, हमारा टारगेट वो रहेगा कि आपके बीच में आएंगे, आपके मुद्दे क्या हैं, आपका मूड क्या है, इन सब बातों को लेकर हम आपके बीच में आएंगे। लेकिन आज फाइनली जो है खंडवा की चारों विधानसभा पे सभी भाजपा प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए और हरसूद में सुखराम सालवे ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। रूपाली बारे पहले ही भर चुकी हैं, उत्तम पाल सिंह पहले ही भर चुके हैं और इसके अलावा विजय शाह भी पहले ही भर चुके हैं। सुखराम सालवे की नेक्स्ट अपडेट हम आपको देंगे, बने रहिए हमारे साथ। समर्थक लोग आए भारतीय जनता पार्टी के, आपका उत्साह कैसा लग रहा है और जीत का आंकड़ा बता दीजिए। अच्छा लग रहा है, आज हमने नामांकन दर्ज किया और उसमें हमारे युवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे जी भी आए हैं और जिस तरीके से ये जो ऐतिहासिक रैली निकली है यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और यहाँ कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। भाजपा में कोई हम नेता नहीं मानते हैं, केंद्र से लेके नीचे तक जो है वो अपने आप को एक कार्यकर्ता मानते हैं और कार्यकर्ता के रूप में सेवा करते हैं। क्या अपील करेंगे कार्यकर्ताओं? मैं पंधाना विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील करती हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी केंद्र में और प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाएं जो चले उन्होंने सुचारू रूप से जो धरातल पे लाए हैं वो आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले तो लाडली बहना जो है, लाडली बहनाओं को जैसे मामा ने 1,000 रुपये पहले डाले, अब 1,250 रुपये 4 तारीख को उन्होंने ये मैंने खाते में डाले, बुरहानपुर आए थे वहाँ से। और अभी हमारी सरकार बनेगी तो निरंतर 3,000 रुपये उनके महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। वो जो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार पिछले चुनाव में 18 में प्रलोभन दिया और कहा गया कि हम वचन देते हैं, बस आप सबको भी मीडिया को सोशल मीडिया को भी बताया कि उन्होंने वचन पूरा किया क्या, वचन पूरा नहीं किया। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीतेगी और हमारी सरकार बनेगी और सुचारू रूप से जो हमारी जन कल्याणकारी योजना है ये आगे और बढ़ेगी। और जिस तरीके से हमारे आदरणीय मोदी जी के बच्चे बच्चे के पंधाना विधानसभा में जीत का आंकड़ा बताइए और आप यहाँ आए हो तो पंधाना विधानसभा में कैसा माहौल रहेगा बीजेपी का? देखिए पंधाना विधानसभा भाजपा की सीट थी और भाजपा की सीट ही रही। राम जो हमारे विधायक थे 25,000 के आसपास मतों से जीते थे पिछले चुनाव में और अब छाया दीदी प्रत्याशी हैं और राम ने पूरा सपोर्ट पूरा बेस उनको दे रखा है तो 25 के आंकड़े को हम भरसक प्रयत्न कर सकेंगे, दुगना करके जिता सकें। अब तो एक नहीं दो विधायक हमारे पास है तो 25 का 50 करके। आपकी पार्टी में से कुछ लोग निर्दलीय फॉर्म भर रहे हैं, उसका क्या होगा? देखिए पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, राजनीति में महत्वाकांक्षा रहती है, महत्वाकांक्षा में टिकट मांगना उसके लिए कुछ प्रतिक्रिया भी हो सकती है, पर हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी का हर क्षमतावान और निष्ठावान कार्यकर्ता ये पार्टी विरोधी गतिविधियाँ करते हैं। इस बार मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आएगी? मध्य प्रदेश में अभी तो ऐसा लगता है कि 140 से 150 सीटें आना चाहिए, पर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, जैसा उत्साह जनता में देखने को मिल रहा है, आश्चर्य नहीं होगा अगर 2/3 बहुमत का में टिकट का परिवर्तन हुआ है।
आप पंधाना में कितना समय देंगे चुनाव? देखिए, मैं भी रैली में शामिल हुआ, आदमी का टिकट उड़ता है तो रोने लग जाता है। मैं खुश हूँ, हंस रहा हूँ, नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ, तो आप इससे समझ जाओ कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही दोबारा बन जाए। और ये संघ की सीट है, भाजपा की सीट है, यहाँ कैंडिडेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंसी हमारे भगवा ध्वज की है और हमारे कमल के फूल की। तो हम जबरदस्त तरीके से चुनाव निकालने वाले हैं इस सीट पे भी, और निश्चित रूप से हमारी जीत। ये जो सीट है क्या अपने संघ द्वारा चिन्हित की गई है? हमारे संघ का यहाँ पर अच्छा काम, शाखाएँ लगती हैं, नीचे थोड़ा और संचलन निकलते हैं, और सबसे शानदार काम पूरे जिले में यही है। निर्दलीय प्रत्याशियों के बारे में क्या बोलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी? निर्दलीय प्रत्याशी, देखो आप इनके बारे में क्या बताओ, टाइम खराब नहीं करना चाहता। जब विधानसभा की बैठक हुई और नितिन गडकरी यहाँ सभा होने वाली थी, एकदम रियल स्टोरी बता रहा हूँ, तो सांसद जी ने हमने उनको बुलाया कि भैया जो जो दावेदार है सब आ जाओ। मैं पहला विधायक हूँ जो दावेदारों को भी साथ लेकर के घूमा। मैंने कहा एक एक बस तुमको जिम्मेदारी से दी जाती कि आपको सभा में बस भर के लाना है, आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना, लेकिन आपके जो भी समर्थक हो, आप यकीन नहीं मानेंगे, इनकी बस तो आई नहीं, ये भी नहीं आया उसमें। तो अब जो एक बस भर के नहीं ला सकता, आप उससे क्या उम्मीद लगाओ और कितना नुकसान देगा वो। इसलिए उनसे भी मेरा आग्रह है कि 2 तारीख शायद लास्ट है फॉर्म उठाने की, तो जो भी है आप आकर के बात करो या हम आ जाएंगे, पार्टी के लिए काम करो और पार्टी को जिताने के लिए लग जाए। संगठन में क्या त्रिकोणीय मुकाबला देखेंगे क्या इस बार? त्रिकोणीय मुकाबला अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही है। और कांग्रेस को भी अगर देखा जाए तो मैडम जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि मैडम जी का पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी का वो सपोर्टर है, जितनी मदद तो भाजपा की किसी ने भी नहीं करी। पहला चुनाव उन्होंने जितवाया जब से ट्राइबल सीट हुई, फिर दूसरा चुनाव उनके परिवार ने जितवाया, तीसरा चुनाव उनके परिवार ने जितवाया, और चौथा चुनाव भी मैडम जी भारतीय जनता पार्टी को जिताया। इस बार निर्दलियों को मनाने का प्रयास करेंगे क्या? निर्दलियों से हम लगातार बात कर रहे हैं, मेरी भी बात हो रही है, क्योंकि सरकार बनाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार अगर आती है तो सारी जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित होती रहेगी, और सरकार जाती है तो कमलनाथ के भूखे बैल खा गए शक्कर पी गए तेल। तो कमलनाथ को हमको नहीं लाना है, हमको कमल के फूल को लाना है। इस बार 50,000 का आंकड़ा पार करेगी पंधाना विधायक? 50,000 आराम से, क्योंकि वो उनके पास टीवी नहीं है, वो घर पे बैठे हुए बाहर ही नहीं निकल रहे, मतलब खुद ही हार मान चुके हैं। तो इसलिए मेरा अंदाजा है कि 40-50,000 वोटों से हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद। अम्बेडकर चौराहे पर स्थित पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते हर प्रोडक्ट की खरीद पर एक गिफ्ट एश्योर्ड मिलेगा, वो भी मार्केट से रीजनेबल प्राइस पर। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं।